वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लेटफॉर्म के मैथ्स के सॉल्यूशन के पार्ट थ्री, परसेंटेज वाला, मतलब पार्ट थ्री स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पिछले दो पार्ट में हमने जिस टाइप के क्वेश्चन देखे थे वो आपका लेवल टू का था। अभी देखो लेवल टू का ही चल रहा है, और कुछ अगर मेरे को लगेगा कि दूसरे उससे एबीसी से और या प्रीवियस ईयर वाले से उठाया जाए तो मैं उससे भी उठा के दे दूंगा। ठीक है क्वेश्चन, ठीक है, तो उसमें से सिलेक्टेड क्वेश्चन ही निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो क्या बोल रहा है, देखो किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य पाया गया। ठीक है, देखो कोई परीक्षा हो रही है उसमें 5% अयोग्य पाया गया, मतलब अगर 100 लोग हैं, ठीक है, अगर 100% है उसमें का आपका 5%, ठीक है, 5% डिसक्वालीफाई हो गया। ठीक है, डिसक्वालीफाई हो गया तो आपका बचा कितना परसेंट, 95%। ठीक है, परसेंटेज मत लिखो ज़्यादा कठिन लगता है। ठीक है, तो इसको ले लो आप 95%। ठीक है, 95% जो अभ्यर्थी मतलब परीक्षा में मतलब पास हुए। अब देखो इसमें उसमें भी जो 85% थे, 95 का जो 85% है वो क्या है, सामान्य वर्ग मतलब जनरल वाले थे। ठीक है, तो 85% इसका 85% कितने हैं, जनरल वाले। ठीक है, जनरल वाले। तो जो बाकी, अब क्या बोल रहे हैं, देखो यदि 4,275 अभ्यर्थी अन्य वर्गों से संबंधित रखते हैं, ठीक, अन्य वर्ग मतलब जनरल को छोड़ के ST SC OBC जो भी, ठीक है, तो यहाँ पे 4,275 अभ्यर्थी हैं जो जनरल वाले नहीं हैं। ठीक है, तो मतलब जो 85, इसका 85% जनरल वाले, तो इसका जो बाकी का परसेंट मतलब 100 में घटा लो इसको, मतलब 15%। ठीक है, तो 15% जो है, 15% जो है, 15% है जो अदर अदर वाले का। ठीक है, अदर कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो अदर कास्ट वाले कितने हैं, मतलब वो आपको दे दिया, संख्या दे दिया है। ठीक है, तो कुल मतलब टोटल अभ्यर्थी मतलब 100 का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो ये कितना है, 95 का जो 15% है वो अदर है। ठीक है, मतलब ये ए आपका दिया है 4,275 दिया है। ठीक है, तो देखो 95 का 15% बराबर 4,275। ठीक, अब इसमें आपको 100 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मतलब इसमें 100 जो है उसका वैल्यू निकालना है, परसेंट करनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे परसेंट को और पूरे संख्या को उस पार ले जाएंगे तो एक का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखो एक का वैल्यू क्या होगा, 4,275, देखो नीचे चला जाएगा 95, 15 भी नीचे चला गया। अब परसेंट, परसेंट का मतलब होता है आपका 1/100। ठीक है, परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100। अब ये 1/100 गुणे में है उस पर जाएगा, तो 100/1 हो जाएगा, मतलब ऊपर में 100 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 100 का गुणा हो गया, ये 100 का गुणा हो गया। अब इसे भाग देंगे तो देखो 15 से पहले भाग देते हैं, 15 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 15 × 30, 12 बचा, 15 8 120, 15 5 175। ठीक, अब देखो ये जाएगा 19 से 95, 19 के पहाड़े मारता है, तो ये क्या हो जाएगा, 19 5 95, ये हो जाएगा 19 एकम। अब कितना बचा, 19 एकम 19, तो ये आपका 9 बचा, 19 5 95, 5 बचा। अब देखो 5 से फिर जाएगा, 5 3 15, तो आ गया एक का वैल्यू कितना आ गया, 300 आ गया। अब आपको 100 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 दोनों साइड गुणा कर देंगे, तो 100 का दोनों साइड गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, ये और 00 लग जाएगा, तो कितना हो गया, 30,000 आ गया आंसर। देखो ऑप्शन में मिल रहा है कि नहीं ऑप्शन, देखो ऑप्शन ए मिल रहा है, तो ये ए आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह दूसरा सवाल करते हैं इसी प्रकार से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, कि देखो किसी शहर की जनसंख्या 4% प्रतिवर्ष बढ़ती है। ठीक है, हर साल 4-4% बढ़ता है, तो देखो पहले 4% बढ़ा, उसके बाद देखो प्रवर्जन के कारण, प्रवर्जन के कारण आधा परसेंट क्या घटती है। तो प्रवर्जन क्या होता है, प्रवर्जन मतलब माइग्रेशन, मतलब एक शहर से दूसरे शहर की ओर पलायन कर जाना, उसको बोलते हैं प्रवर्जन। ठीक है, तो उसके कारण क्या है, घट रही है। ठीक है, लोग जाएंगे तो घटेगी, तो देखो आधा परसेंट क्या है, घट रही है, ये बढ़ रही है और ये घट रही है, तो देखो ये दोनों काम एक साथ हो रहा है। ठीक है, तो 4% को बढ़ाना भी है और आधा परसेंट को घटाना भी है। ठीक है, तो दो बार काम करना पड़ेगा, वैसे 3 साल हो रहा है। ठीक है, 3 साल, तो ये देखो ये 1 साल का, तो दूसरे साल भी वैसी होगा और तीसरे साल भी वैसी होगा, तो कितना हो जाएगा आपका, देखो दो दो बार काम करना पड़ेगा, मतलब आपको 6 बार परसेंटेज का वैल्यू निकाल के करना पड़ेगा ये, और वो भी नॉर्मल परसेंटेज नहीं है, आधा परसेंट है, 4%। ठीक है, तो ये थोड़ा कठिन पड़ेगा आपको, तो उसके लिए और कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा। 3 बार, 2 बार ही करता तो कोई दिक्कत नहीं, 2 बार कर देते, 3 3 बार करना है, या 1 बार ही रहता तो ज़्यादा बेस्ट था। ठीक है, तो 3 बार करना है, तो उसके लिए आपको अगर सॉल्व करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा।
इसीलिए और दशमलव दशमलव आएगा, बहुत टाइम लग जाएगा उसके लिए। देखो ये ऑप्शन भी दिया रहता है, ठीक है, तो हम ऐसा कुछ तरीका निकालेंगे जिससे ऑप्शन को हम पकड़ सकें। तो देखो यहाँ पे करके देखते हैं पहले। तो देखो अगर कोई चीज़ पहले 100 है, ठीक है, देखो तरीका ये बनता कैसे, एक्चुअल में एक्चुअल आंसर कहाँ से कैसे आएगा इसको देखो। यहाँ पे 100 से 4% बढ़ाओगे आप तो ये हो जाएगा, 4% बढ़ेगा तो देखो एक्चुअल आंसर ये ऐसे आएगा 104, ठीक है। अब इसमें आधा परसेंट घटाना है, तो 104 का आधा परसेंट निकालना है, घटाना है, तो 104 का आधा परसेंट देखो 1% का वैल्यू 1.04, 1.04 1% का वैल्यू, 1% का वैल्यू 1.04, तो आधा परसेंट का वैल्यू हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा इसका, आधा कर देंगे तो देखो ये 0.5 और इसका 2, तो इधर इसका भी आधा, इसका भी आधा, मतलब ये 52 हो जाएगा, 0.52, ठीक है, इसका डबल करोगे तो 104 ही आएगा। तो देखो 0.52, अब 0.52 इसमें घटाना है, तो 0.52 घटा दोगे, 0.52 इसमें घटा दोगे तो ये हो जाएगा आपका 103.48, ठीक है। तो ये 1 साल का हुआ, ठीक है, ये 1 साल की गणना हुई, ठीक है। इसमें आप फिर 4% बढ़ाओगे, आधा परसेंट घटाओगे, तो ये डिटेल होके फाइनल सॉल्यूशन आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब करने से अच्छा मैं एक तरीका बता रहा हूँ जिससे आप ऑप्शन को पकड़ सकें, ठीक है। तो ऑप्शन को कैसे पकड़ेंगे, देखो देखो ऑप्शन को पकड़ना है आपको। देखो 4% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और ये आधा परसेंट घट रहा है, तो टोटल 1 साल में एक ओवरऑल अगर अंदाजा कहा जाए, मतलब दशमलव से बचने के लिए कहा जाए, तो वो उसको कितना कहेंगे, 4 बढ़ रहा है आधा घट रहा है, मतलब 3.5 बढ़ रहा है, एक लगभग लगभग जो है, लगभग लगभग जो है ये 3.5% बढ़ रहा है, ठीक है, 3.5% बढ़ रहा है, तो ये 1 साल में, ठीक है, तो ये 3 साल में कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना, तो 3.5% का 3 गुना करेंगे, इसका 3 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 = 10, तो 10.5%, ठीक है, 10.5% होगा, ठीक है, 10.5% होगा, ये हम नॉर्मली निकाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये 4% फिर आधा परसेंट फिर 4% उसको बढ़ाना, मतलब 104 में 4 बढ़ाना, ठीक है, हम 100 में ही ले रहे हैं तो इतना आ रहा है, ठीक है, मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा आएगा, थोड़ा ज़्यादा आ ही गया, ठीक, क्योंकि ये देखो 100 से 104 हुआ, अब इसको फिर इसमें इतना करके फिर इसमें 103 में हम 4% बढ़ाएंगे, ठीक है, 103 में हम 4% बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर 100 में करते तो इस टाइप का आता, लेकिन 103 में करेंगे तो और थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, तो वो क्या है, पॉइंट में बढ़ेगा, ठीक, पॉइंट में बढ़ेगा, मतलब ये 10.5% है ना, तो 10.5% से थोड़ा ज़्यादा, आएगा आंसर, ठीक, तो थोड़ा ज़्यादा देखो कौन सा आंसर आ रहा है, तो देखो 10.5%, 10% कितना दिया, 9.8 है, 10.5 है और 10.8 है, तो 10.5 से थोड़ा ज़्यादा वाला यही है, मतलब 10.8, तो यही आंसर होगा आपका, ठीक है। अब इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 70% लोगों के पास कार है, ठीक है, 70% के पास क्या है, कार है, और 75% लोगों के पास टीवी है, तो 75% लोगों के पास क्या है, टीवी है, और देखो 55% लोगों के पास दोनों है, ठीक है, 55% के पास दोनों है, कार और टीवी क्या है, 55% के पास दोनों है, तो बोल रहा है कि कितने के पास दोनों नहीं है, ठीक है, कार और टीवी दोनों नहीं है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम वैन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। वैन डायग्राम क्या जरूरी है, तो देखो वैन डायग्राम जरूरी नहीं है, क्योंकि आप गोला खींचोगे एग्जाम में थोड़ा टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा तो अपना टाइम क्यों वेस्ट करें, ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, टाइम वेस्ट से बचना है, तो वो कैसे होगा, देखो उसका तरीका ये है, उसका तरीका बताता हूँ। देखो कुछ लोगों के पास कार है और टीवी भी है, ठीक है, तो देखो ऐसा नहीं है, कार है तो ये इसमें ये 70% में हो, टीवी वाले भी हो सकते हैं, और टीवी में है तो उसके पास कार भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, केवल तो नहीं बोल रहा है, केवल देखो केवल शब्द का यूज नहीं किया है, केवल शब्द का यूज नहीं किया है, मतलब ये टीवी वाले में कुछ कार वाले भी हैं, इस कार वाले में कुछ टीवी वाले भी हैं, मतलब ये जो 55% है वो इन दोनों में शामिल है, ठीक है, इन दोनों में शामिल है, ठीक है, ये 55%, ये 55% जो है इन दोनों में क्या है, शामिल है, इन दोनों में घुसा हुआ है, ठीक है, ये डिब्बा है, इन गोले में क्या है, घुसा हुआ है, अंदर में है इसके, ठीक है, मतलब ये कोई इसकी वैल्यूबल डाटा नहीं है, ठीक है, ये वैल्यूबल नहीं, इसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है, इसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये इसके अंदर में है, अकेला इसका वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कार वाले और इसको एक काम करते हैं, जोड़ते हैं, पहले कार और टीवी वाले को जोड़ते हैं, एक्चुअल में होता कितना है, तो देखो
और 75, कितना हो गए? 70 और 50 14, 145। तो 145%। आप सोचो कोई भी चीज़ होता है अपने आप में 100%, ठीक है, 100% होता है अपने आप में। 100% से ऊपर होता है क्या? नहीं होता। कोई भी चीज़ अपने 100% होता है। लोग हैं जैसे, तो हम भी जितना भी परसेंटेज की बात करते हैं 100 में बात करते हैं, ठीक है, 100 में बात करते हैं, लेकिन ये 145% हो गया। तो कितना ज़्यादा हो गया आपका? 45% ज़्यादा हो गया, ठीक है, 45% ज़्यादा हो गया। तो देखो ये जो 45% ज़्यादा हुआ है, तो वो ज़्यादा क्यों हुआ है? क्यों हुआ ज़्यादा? तो देखो यहाँ पे, देखो ज़्यादा इसीलिए हुआ है क्योंकि ये 55% उसमें आ गया है, ठीक है। 55% क्या है? उसमें आ गया, जिसकी वैल्यू नहीं है। अब उसको क्या करना पड़ेगा? हमको घटाना पड़ेगा, ठीक है। उसको घटाएंगे तब हमको एक्चुअल डाटा मिलेगा कि कितने लोगों के पास क्या है, ठीक है। तो इसमें घटाएंगे, तो देखो यहाँ पे इसमें घटा दो आप 55 को, 55 को घटा दो, कितना हो जाएगा? 145 से 55 घटाएंगे तो कितना हो गए? ये आपका हो जाएगा 90%। अब 90% लोगों के पास, मतलब 90% ही लोग हैं, कहाँ ना जाए तो 90% ही लोग हैं जिनके पास कुछ ना कुछ है, टीवी रहे चाहे कार है, दोनों रहे, ठीक। तो अब मतलब टीवी हो चाहे कार हो, मतलब या दोनों हो, जो भी है, टीवी कार अकेला हो, टीवी भी हो या कार भी हो, या दोनों हो, ठीक है, तो 90% ही लोग हैं जिनके पास कुछ ना कुछ है। अब देखो ये पूछ रहा है कि कितने परसेंट लोगों के पास टीवी और कार दोनों नहीं है, मतलब कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जिसके पास कुछ नहीं है, कहने का मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो ये 90% और हमारा टोटल कितना होता है? 100। तो 100 में हम क्या करेंगे? 90 को घटा देंगे, ठीक है। तो 100 में 90 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखो जब 100 में 90 के पास कुछ ना कुछ है, तो मतलब कुछ है वाले, तो नहीं वाले क्या हो जाएंगे? 10%। तो 10% हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 10% देखो सी आंसर होगा, ठीक है। आप लोग को समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। नहीं आया होगा तो एक बार और इस वीडियो को देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये, क्योंकि इतना बेसिक बता दिया हूँ, इससे और क्या बेसिक बताऊँ, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, तो देखो चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी परीक्षा में 70% जो विद्यार्थी हैं वो अंग्रेजी वाले हैं, ठीक है, अंग्रेजी में पास हुए हैं, ठीक है। 70% देखो 70% जो है इंग्लिश में पास हुए हैं, उसके बाद देखो 80% जो है गणित में पास हुए हैं, 80% गणित में, मतलब मैथ्स में, मैथ्स में कितना? 80% पास हुए, ठीक। उसके बाद बोल रहा है कि 10% दोनों में फेल हुए हैं। अब सीधा फेल वाले की गणना कर दिया, तो देखो कोई भी एग्जाम में या तो पास होगा अभ्यर्थी या तो फेल होगा, ठीक है। तो देखो कोई भी जैसे 100 में या तो कुछ पास होंगे या कुछ फेल होंगे, ठीक है। तो फेल वाले को यह 10% में गिर रहा है, ठीक है। तो 90% लोग पास हुए, देख इतना तो क्लियर है आपको, 90% लोग पास हुए, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है कि यदि दोनों विषय में 144 विद्यार्थी पास हुए, तो देखो दोनों विषय में कितने परसेंट जो स्टूडेंट हो पास हुए हैं ये आपको पता करना पड़ेगा। तो ये कैसे पता करेंगे? तो देखो ये इंग्लिश में दे दिया, मैथ्स में दे दिया, ये अलग अलग दे दिया, ये केवल नहीं बोला, केवल शब्द का यूज करेगा तब आपका एक छोटा डाटा है। देखो केवल शब्द का यूज नहीं कर रहा है, 70% बोल दिया, मैथ्स में 80% बोल दिया। तो मैं क्या बताया था, आप इन दोनों को जोड़ के देखो, आपको ऑटोमेटिक इसका स्वरूप पता चल जाएगा कि ये बोलना क्या चाह रहा है, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, क्योंकि 100 से ऊपर आया तो हमको पता चल जाएगा कितना अतिरिक्त है, ठीक है। तो देखो ये 70 है, ये 80 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 150, ठीक है, 150%। अब 150% है, ठीक है, 150%। तो 150% मतलब ये दिखावा है, ये छलावा है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या मिक्स है इसमें? अब देखो इंग्लिश जो मैं पास हुए, तो अगर कुछ इंग्लिश वाले में मैथ्स वाला भी होगा इंक्लूड, अगर मैथ्स में पास हुए तो ऐसा तो नहीं है, मैथ्स में कुछ लोग पास हुए, कुछ लोग इसमें ऐसे भी होंगे जो इंग्लिश में भी हुए हैं, ठीक है, उनको भी गिन रहा है। तो मतलब एक्स्ट्रा गिनती कर रहा है, एक्स्ट्रा गिनती करने के कारण ही वो 100 से ऊपर हो गया इसका डाटा, तो 100 से ऊपर हो गया है। तो देखो यहाँ पे लेकिन 100, अब उसमें भी 10% तो फैलवर हैं, वो तो गिनती भी नहीं है, ठीक है। मतलब हमारा जो डाटा है 90% से कितना मोर हो गया है, मतलब पास वाले 90% है लेकिन हमको दिखा रहा है कितना? 150। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि 60 अधिक हो गया, 60 ये अधिक क्यों है?
क्योंकि 60% जो है दोनों वाले हैं, ठीक है, दोनों वाले हैं जो कुछ इसमें गिनती हो रहे हैं, कुछ इसमें गिनती हो रहे हैं, ठीक है, तो दोनों वाले हैं वो 60% है, ठीक है। तो वही 60% को क्या करेंगे, वही 60% का वैल्यू दिया है आपको 144, दोनों विषय में पास हुए, तो 60% की वैल्यू कितनी है, 144, ठीक। तो कुल अभ्यर्थी मतलब 100% को पूछ रहा है, तो देखो कुल अभ्यर्थी कितना होगा, 60% का वैल्यू 144 है, तो 1% का वैल्यू क्या होगा, इसे 60 से इधर भाग लगा दो, ठीक है, 60 से भाग लगा दोगे, या एक काम करो 100 की वैल्यू, तो देखो 60 से उधर भाग लगाओ क्या हो जाएगा आपका, एक काम करो 6 से भाग लगाओ, 60 से मत लगाओ, 10% निकल जाएगा, 6 से भाग लगाओ, 6 दहम तो 10%, अब देखो इधर लगाएंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और आपका 6 चौक 24, तो 10% की वैल्यू आपको 24 निकल गई। अब आपको 100% लाना है, तो 10 10 को गूढ़ा कर दी, इधर 100 हो जाएगा, उधर 240 हो जाएगा, इधर 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100, और इधर 10 का गुणा करेंगे हो जाएगा 240, तो 240 निकल के आ गया, ये आपका आंसर सी दिख रहा है, तो सी आंसर होगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप देखिए पांचों क्वेश्चन, ठीक है, पांचों क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक विद्यार्थी को 40 अंक मिलते हैं लेकिन वो 40 अंकों से ही फेल हो रहा है, ठीक है, देखो जीरो लेवल से, ठीक है, जीरो लेवल है, यहाँ से इसको 40 अंक मिला लेकिन ये 40 से ही फेल हो गया, कितने से, 40 से ही क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है, 40 नंबर से फेल हो गया, मतलब ये पास लेवल है, मतलब 40 नंबर पाता, ये जीरो लेवल है, ठीक है, लेवल के हिसाब से बनाओगे तो ज़्यादा आसानी से बनता, ठीक है। तो यहाँ से आपका देखो 40 पाता है लेकिन 40 से फेल भी हो रहा है, मतलब आपका पास होने के लिए कितना है, 80 नंबर चाहिए, पास होने के लिए 80 नंबर टोटल, ये 40 40 कितना हो गया, 80 नंबर, 80 नंबर पास होने के लिए चाहिए, लेकिन वो बोल रहा है यदि उसको पास होने के लिए 40% अंक चाहिए होते हैं, ठीक है, तो 80 नंबर ही क्या है, 40% है, परसेंट में बात कर रहे हैं तो वो परसेंट, ठीक है, तो यही क्या है, 40%, 80 नंबर ही क्या है, 40% है, ठीक है। तो अंकों का सर्वयोग क्या है, अंकों का सर्वयोग का मतलब ये है कि वो मैक्सिमम मार्क्स पूछ रहे हैं, ठीक है, अधिकतम अंक मतलब जो जितना में पाया जाएगा, ठीक है, तो जो मैक्सिमम मार्क्स है उसको पूछ रहा है, ये मैक्सिमम मार्क्स को पूछ रहा है, ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, तो देखो मैक्सिमम मार्क्स होता है 100%, ठीक है, कोई भी एग्जाम में 100% ही मतलब पूरा पाओगे, मतलब 100%, तो 100% ही क्या है, मैक्सिमम मार्क्स, तो 100% की वैल्यू आपको पूछ रहा है, ठीक है, 100% की वैल्यू आपको पूछ रहा है, तो देखो जब आपको पता है 40% 80 का 80 है, तो 40 का देखो अब 40 को आपको 100 बनाना है, तो कितना गुना करोगे उसको, 40 दुनी 80 और उसका आधा गुना करोगे, मतलब ढाई गुना, इसमें ढाई गुना करोगे तो ये आपका 100 बन जाएगा, ठीक है, ढाई गुना करोगे इसका 100 बन जाएगा, तो ये 100% बनने के लिए ढाई गुना, तो इधर भी ढाई गुना करना पड़ेगा, तो 80 का ढाई गुना कितना होगा, देखो 80 दुनी कितना होगा, 160, अब आधा कर दो 80 का आधा और मतलब 0.5 गुना, तो देखो 80 दुनी 160 और 80 का आधा करोगे 40, तो 160 और 40 कितना हो जाएगा, 200, तो ये 200 अंक जो होंगे इसके मैक्सिमम मार्क्स होंगे, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स होंगे, ठीक, तो ये देखो 200 ए आंसर दिख रहा है, ठीक है, तो ए आंसर है, ठीक। तो ये पांच क्वेश्चन हो गए आज के, तो इसी तरह से हम पांच क्वेश्चन और मतलब 5-5 क्वेश्चन करके लाएंगे, और प्लेटफॉर्म के जितने भी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको, क्योंकि देखो इतने क्वेश्चन कर लोगे तो वो बाकी सब भी बना लोगे, क्योंकि वो सेम सेम मिलता जुलता है। अब देखो इसमें अधिकतम क्वेश्चन क्यों दे दिया गया है, 150-150 क्वेश्चन क्यों दे गया, क्योंकि देखो उसमें आपका कोई भी टॉपिक का देखो मतलब मिक्स अगर रिलेटेड भी मिल रहा है तो या रिलेटेड नहीं भी मिल रहा, देखो मैं एवरेज के मैं क्वेश्चन देखा हूँ इसमें इसी में, तो एवरेज के क्वेश्चन तो परसेंटेज में नहीं आना चाहिए, और परसेंट का उसमें कहीं भी जिक्र भी नहीं हुआ है, ठीक है, चलो प्रॉफिट लॉस का भी कुछ क्वेश्चन है तो प्रॉफिट लॉस का भी क्वेश्चन नहीं डालना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट लॉस चलो परसेंटेज से रिलेटेड है तो डाल दिया, लेकिन एवरेज के क्वेश्चन दिख रहे हैं तो मैं एवरेज के क्वेश्चन तो एवरेज में ही कराऊंगा ना, तो इसलिए कुछ क्वेश्चन मैं छोड़वा रहा हूँ जो एवरेज के क्वेश्चन है, या इससे जो मैं करा रहा हूँ जो क्वेश्चन उससे एकदम टू कॉपी रिलेटेड क्वेश्चन है उसको भी मैं छोड़वा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं जितने भी करा रहा हूँ इससे आपके पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे, इतना मेरी गारंटी है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो मैं सिखा दिया, तो सेम टू सेम अगर क्वेश्चन है तो क्या मतलब डबल डबल बताने से उसको, ठीक है, इसलिए मैं डबल डबल नहीं करा रहा हूँ, थोड़ा भी चेंज हो रहा है तो मैं बता रहा हूँ उसको, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, ठीक है, और हमारे जितने भी देखो कम से कम 8-10 वीडियो तो जाएगा ही कम से कम एक टॉपिक पे, ठीक है, अब जितने भी टॉपिक होंगे 15-20 टॉपिक
तो उस पर फिर बारी बारी करके मैं बनाते जाऊँगा, ठीक है? तो उसके लिए बेफिक्र रहिए, लेकिन आप जो मैथ्स पढ़ने का जो तरीका है उसको चेंज कीजिए। आपको अगर सफलता पानी मैथ्स में, या मैथ्स आपको अच्छा करना है, ठीक है, तो उसमें क्या कीजिए आप इम्प्रूवमेंट करने के लिए, कि आप अपने पढ़ने का तरीका चेंज कीजिए, क्योंकि जो पढ़ने का तरीका आपका है टू कॉपी वाला हो गया, जो मतलब या जो आपको यूट्यूब में इतने सारे वीडियो आ गए हैं, इतने टीचर आ गए हैं, उसको आप देख के फॉलो कर रहे हो, और आपका कोचिंग के नोट्स आ गए हैं, उसको आप डायरेक्टली उस पर बनाना कोशिश कर रहे हो, और नहीं बन रहा है तो सीधा आप उसके सॉल्यूशन पे जा रहे हो और देख रहे हो, ठीक है? अपना दिमाग जो है आप मतलब बेच दे रहे हो, ठीक है? मतलब आपका अपना अपना दिमाग जो है आपका रेडीमेड बना दिए हो, ठीक है? मतलब एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आपको देखना ही है, तो इससे क्या होता है आपका लेवल यहाँ से गिरना चालू हो जाता है, ठीक है? तो उसका आपका तोड़ यही है कि आप कोई भी क्वेश्चन पे फोकस करो, ठीक है? आपको मैथ्स कब तक समझ नहीं आएगा? मैथ्स देखो, मैथ्स ऐसी चीज़ है जो ऐसे जीएस टाइप नहीं पढ़ना है, आपको रटना नहीं है, याद नहीं करना है, ठीक है? तो उसमें क्या है कि उसको फोटो कॉपी भी नहीं करना है, उसके क्या बोलते तरीके को, सबका तरीका अलग अलग होता है, इसमें आपको फोटो कॉपी नहीं करनी है, ठीक है? तो उसके लिए क्या करना है आपको, जब भी कोई क्वेश्चन देखो उसको फोकस करो, कम से कम 5 से 10 मिनट, 5 से 10 मिनट खुद बनाने की कोशिश करो, उसके बाद अगर नहीं बनता है तो आप सोल्यूशन देखो, तब आपका मैथ्स जो है इम्प्रूव होगा, ठीक है? तो इसी तरह से आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं आप मैथ्स में, और मतलब आप जितना भी कोचिंग के नोट्स हो या कोई भी वीडियो हो, ठीक, किसी भी तरह के वीडियो, अगर वीडियो आप देखते हो, लेकिन कितना भी वीडियो देख लो, मैं बता रहा हूँ कितना भी वीडियो देख लो आप, उसको आपको मैथ्स क्लियर नहीं होगा जब तक आप इस मेथड से जो मैं बता रहा हूँ उससे आप तैयारी नहीं करते, इस तरीके से नहीं पढ़ते हो, ठीक है? तो ठीक है, अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में अपना पार्ट 4 लाएंगे, ठीक है? तो चैनल वीडियो वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? थैंक यू।